हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बालों पे जो है कलर नहीं आता है, चाहे हमने कुछ भी कर लेना है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर कलर को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रखेगा और पहली ही बार में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कलर देगा। और जिनका भी क्वेश्चन ये था कि हमारे बाल जो है हेयर पे जब हम हिना को अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, तो अमेजिंग रेमेडी है। वीडियो शुरू करने से पहले जो है हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करें, बिकॉज आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा जी, तो गैस पर सबसे पहले एक पतीले को हमें चढ़ा देना है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक ग्लास के करीब पानी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। अगर आपकी शॉर्ट है तो उस हिसाब से आप बना लीजिए, लॉन्ग है तो उस हिसाब से बना लीजिए। बना के नहीं रखना है आपने, वन टाइम के लिए बता रही हूँ आपको। जैसे ही आपने बनाना है वैसे ही आपने जो है इसको बना के बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखना है। जैसे आपको अप्लाई करना है तभी आपने बनाना है। उसके बाद फर्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है तेज पत्ता, जो हर घर में यूज होता है, सभी लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बालों पे इसके अमेजिंग फायदे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है कलर को भी लॉन्ग लास्टिंग रखता है, ग्लॉसी एंड शाइनी बनाता है। एंड जो सबसे अच्छी चीज है इसकी, ये आपके कलर को जो है हेयर को जो है हेयर में जो कलर है उसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के साथ साथ आपके हेयर को बहुत ज्यादा शाइनी एंड स्ट्रांग बनाता है। तो यहाँ पे जो है 8 से 10 तेज पत्ते को मैं इसमें डाल दूंगी। गैस के फ्लेम को हमने हाई रखना है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जो तेज पत्ता है ये हर घर में अवेलेबल होता ही होता है, हम हर खाने में बहुत सारे खाने में जो है तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। बालों के कलर को जो है हिना को जो है जब हम उसमें अप्लाई करते हैं तो उसको तो ये लॉन्ग लास्टिंग रखता ही रखता है, लेकिन उसके साथ जो है ये आपके बालों में नेचुरल जो है आपने जो कलर ऐड लगाया होता है उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो रखता ही रखता है, लेकिन ये आपके बालों को जो है नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है, ग्लॉसी सा लुक प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धूप में आपके बाल चमकते हैं, तो वो जो है उसको बरकरार रखता है। एंड इसके अमेजिंग जो है फायदे हमारे हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करता है। अगर आपको ड्राई डल और जो है आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी से हो जाते हैं तो उसमें भी जो है ये अमेजिंगली वर्क करता है, सिल्की एंड शाइनी हेयर देने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक जो है पानी का कलर पूरा कम्प्लीटली चेंज ना हो जाए, तब तक इसको हमने अच्छी तरीके से पका लेना है। और पानी जो है अगर हमने एक ग्लास डाला है तो आधा ना रह जाए, उतनी देर इसको पकाना है जब तक जो है ये अपना कलर ना छोड़ दे पानी में, तब तक हमने इसको पकाना है। 5 से 10 मिनट पकने के बाद जो है इसने अच्छी तरीके से अपना कलर को जो छोड़ दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी का कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। इस ही मोमेंट पे जो है हमने इसमें ऐड करनी है कॉफी। एंड 5 से जो है 10 मिनट जो है आपने इसको अच्छी तरीके से लेकिन पकने देना है, जब तक ये जो है इसका कलर कम्प्लीटली चेंज ना हो जाए तब तक जो है आपने इसको पकने देना है। आप देख सकते हैं कि डंठल काफी हद तक अलग हो चुकी है एंड जितना भी इसका कलर है इसने पानी में जो है छोड़ दिया है। इसी मोमेंट पे जो है हम इसमें कॉफी को ऐड करेंगे। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे ये डाल दूंगी, आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने उसको डाल देना है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो है हम इसमें कॉफी को ऐड कर देंगे। मीडियम हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ तो उस अकॉर्डिंग जो है इसमें मैं कॉफी को ऐड कर लूंगी। अगर आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है उस अकॉर्डिंग जो है आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉफी के हमारे हेयर पे बहुत सारे बेनिफिट है, ग्रेइंग हेयर को खत्म करते हैं, नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है। जो सबसे अच्छी चीज है कि ये हमारे हेयर को जो है जो कलर हम इसमें जो भी महीना को हम इसमें ऐड करेंगे जो ये पानी के साथ, तो इसको काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रखेगा। एंड जो सबसे अच्छी चीज है कि बहुत जल्दी जो मेहंदी उतर जाती है बालों से या फिर कलर नहीं रचता है तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ये आपके कलर को जो है हिना जो हेयर पे आप हिना को ऐड करोगे लगाओगे तो उसको जो कलर है वो उसको काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रखेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पानी का कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। कॉफी डालने के बाद जो है हमने सिर्फ आधा मिनट इसको अच्छी तरीके से पका लेना है और जो है जितनी भी सारी गुडनेस है जो भी दोनों चीजें हमने इसमें डाली है उसमें आ जानी चाहिए। एंड देन आधे मिनट के बाद जो है हमने ये इसको बंद कर देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है।
उसके बाद जो भी मेहंदी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको सूट करती हो आपने उसका इस्तेमाल करना है। और मैं आपको जो है एक जरूर से सलाह दूंगी कि आप जो है ऑर्गेनिक मेहंदी का ही इस्तेमाल करें, जो बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है। ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैं हमेशा जो है, आप मेरी पुरानी वीडियोज भी देख सकते, इसी मेहंदी से जो है मेहंदी को बनाती हूँ और ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, अमेजिंग कलर आपको प्रोवाइड करती है। तो आपके पास जो भी मेहंदी अवेलेबल हो आपने उसका इस्तेमाल करना है। आप ऑर्गेनिक मेहंदी ले लीजिए जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से भी जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है मेहंदी को ले लिया है। अगर आपकी शॉर्ट है तो उस अकॉर्डिंग ले लीजिए, लॉन्ग है तो उस अकॉर्डिंग आपने ले लेना है। गाइज, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को जरूर से बताना चाहूंगी कि बहुत बार हमारे बाल जो है ड्राई, फ्रीजी, डल से हो जाते हैं। उसमें कोई शाइन नहीं होती है, वॉल्यूम नहीं होता है, डल से, बेजान से हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड से अपने बालों में हिना को अप्लाई करोगे, मेहंदी को अप्लाई करोगे, तो आपके बाल नेचुरली ग्लॉसी, शाइनी एंड जो है लॉन्ग लास्टिंग कलर भी आपको मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगी। अच्छा जी, ये तेज पत्ता एंड कॉफी का जो पानी मैंने यहाँ पे इसमें बना के रखा था ना, तो ये जो है मैं रिक्वायर्ड अमाउंट इसमें डाल दूंगी। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि आपने जो है जब ये वार्म हो तभी जो है इसको ऐड करना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। वार्म में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिक्स होने में बहुत ज्यादा जो है आसानी हो जाएगी, कोई भी लम्स, गांठे वगैरह नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है आपने इसमें ऐड करना है एंड जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आफ्टरऑल जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज्यादा थिक और थिन पेस्ट आपने नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा जो है नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है एंड थोड़ा थोड़ा जो है पानी आपने जो है इसमें ऐड करते जाना है। बहुत ज्यादा पहले से एक साथ में आपने पानी को नहीं डालना है। उसके बाद जो है ये सारी चीजों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स, गांठे वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। गाइस, ये जो तेज पत्ते का पानी है जब हम इसमें ऐड करेंगे तो एक नेचुरल एरोमा जो है आपको मिलने में हेल्प मिलेगी एंड जो है आपके बाल नेचुरली ग्लॉसी, शाइनी होने के साथ साथ जो है ये आपके बालों को जड़ों से भी बहुत ज्यादा मजबूत भी करता है और फ्रिजी, डल हेयर की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। और जो है आपके बहुत ज्यादा जो है सलोन में जाके, महंगे से पार्लर में जाके जो है हम हेयर कलर करते हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल होता है जो हमारे बालों को जो है बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देते, लेकिन आप जो है बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट जो घर में बहुत ही इजीली आप लोगों को मिल जाते उसकी मदद से अगर इस तरीके से हेयर पैक बना के लगाते हो तो बाल आपके बहुत ज्यादा शाइनी, ग्लॉसी होने के साथ साथ जो है उसकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड लॉन्ग लास्टिंग हेयर कलर देखने के लिए भी आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी आपने यहाँ पे रखनी है और जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा, बहुत ज्यादा जो है पतला पेस्ट आपने नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट आता है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन को। लेमन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि लेमन, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीजन ये चल रहा है तो इसमें जो है बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है एंड बहुत सारे लोगों को नेचुरली जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, तो लेमन जो है डैंड्रफ को कम्प्लीटली खत्म कर देता है एंड लेमन जो है आपके हेयर को शाइन प्रोवाइड करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड लेमन जो है आपके बालों को नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। और जो है अगर आपके बाल रफ, ड्राई से है तो ये बहुत अच्छा एक शाइन का काम करता है। तो यहाँ पे जो है कुछ बूंद जो है मैं लेमन के इसमें ऐड कर लूंगी एंड जो है डैंड्रफ है इसको कम्प्लीटली ये खत्म कर देता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेमन को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आप जरूर से ऐड करें, ये मिथ है कि लेमन हमने ऐड कर दिया तो जो है कलर नहीं चढ़ता है, बहुत अच्छा एंड लॉन्ग लास्टिंग कलर रहता है। बल्कि इसकी बहुत अच्छी गुडनेस ये है कि ये बालों को शाइनी रखने के साथ साथ डैंड्रफ को भी खत्म कर देता है। उसके बाद ये सारी चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, जब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसको जो है ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ना है। अगर आपके पास अच्छा खासा वक्त है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप एक घंटे के लिए जो है इसको ऐसे ढक के रख दीजिए और जो है इसको एक घंटे के लिए ऐसे इस तरीके से छोड़ दीजिए। अगर अच्छा खासा वक्त है तो आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप थोड़ा सा जल्दी में है, तो एक घंटे के लिए तो इसको जरूर से छोड़ दीजिए। जितनी भी सारी इसकी गुडनेस है इसमें आ जाएगी
एंड जो है ये आप भी रेडी हो जाएगा आपके बालों में अप्लाई करने के लिए। एंड जो है आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करने के बाद जो है इसको 1 आवर के लिए अपने बालों में जरूर से रखना है। एंड जो है जब भी आप अपने हेयर को वॉश करो हिना अप्लाई करने के बाद, तो आपने शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जो है ये आपके ये जो पैक है ये आपके बालों को बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं करेगा, बल्कि शाइन प्रोवाइड करने के साथ साथ जो है आपकी बालों की हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव भी करेगा। एंड जो है बालों को जो है नेचुरल कलर प्रोवाइड करेगा, ब्राउन एंड बर्गंडी कलर में जो है ये आपके बालों में बहुत अच्छा सा कलर प्रोवाइड करता है। तो गाइज बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, घर की ही सारी चीजों से मैंने बताया है, और ये बनाने में जितनी आसान है ना उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।